पर्यायवाची शब्द और उसके उदाहरण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सर्कल। प्रिय बच्चों, मैं शिल्पा आज आप लोगों के लिए हिंदी का एक नया विषय लेकर आपके सामने आई हूँ। जिस विषय के बारे में आज हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, उस विषय का नाम है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द, हाँ जी प्यारे बच्चों, तो जैसे कि हमने पहली कक्षा में भी पढ़ा था कि लगभग एक सा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं, या फिर उनको क्या बोलते हैं, समानार्थी शब्द। तो ये आपको कुछ उदाहरण दी गई हैं पर्यायवाची शब्दों की, इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए, लिखिए और याद करिए। तो आइए हम इन सभी उदाहरणों को एक बार पढ़ लेते हैं। पर्यायवाची शब्द, किसान, कृषक, हल्दर, हाली, अग्नि, आग, पावक, अनल, आकाश, गगन, अंबर, नभ, ईश्वर, भगवान, प्रभु, परमात्मा, जल, नीर, पानी, वारी, कठिन, मुश्किल, विश्व, जटिल, कपड़ा, वस्त्र, वसन, पट, घर, गृह, गेह, सदन, दिन, दिवस, वासर, वार, पर्वत, नग, पहाड़, गिरी, मनुष्य, मानव, नर, आदमी, गुरु, आचार्य, शिक्षक, अध्यापक, पृथ्वी, धरा, भूमि, धरातल, चंद्रमा, चांद, शशि, चंद्र, माता, जननी, अम्बा, माँ, समुद्र, सागर, सिंधु, जलधि, शरीर, तन, देह, काया, सरस्वती, भारती, वाणी, शारदा, सांप, भुजंग, नाग, सर्प, सेवक, नौकर, दास, अनुचर। तो ये हमारे कुछ पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चों को ये समझ आए होंगे। तो आप सभी बच्चे इन्हें अच्छे से पढ़िए, समझिए, लिखिए और याद कीजिए। हाँ जी बच्चे, ये वीडियो बंद करने से पहले आप सबसे मेरी विनती है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ रहे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।